जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और केस स्टडी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें हम लोग बिहार में हुए रेल हादसे को डिस्कस करने वाले हैं। आज से लगभग 39 साल पहले 6 जून 1981 को एक ऐसा रेल हादसा हुआ था जिसे याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये देश का सबसे बड़ा रेल हादसा था और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रेल हादसा था, जिसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। वह एक मनहूस दिन था जब 9 डिब्बों की एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। सभी यात्री अपने कामों में व्यस्त थे, कोई बात करने में मशगूल था, कोई मूंगफली खा रहा था, कई अपने रोते बच्चों को शांत करा रहे थे, तो कोई उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था। इसी वक्त अचानक ट्रेन हिलती है। जब तक यात्री को समझ पाते हैं तब तक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और बागमती नदी में समा जाती है। दोस्तों अब ऐसा हुआ कैसे? मानसी तक ट्रेन सही सलामत बढ़ रही थी। शाम 3 बजे ट्रेन बदला घाट पहुंची। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन धीरे धीरे धमरा घाट की ओर प्रस्थान करने लगी। ट्रेन ने कुछ ही दूरी तय की थी कि मौसम खराब हो गया, उसके बाद तेज आंधी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते बारिश भी होने लगी। जब तक ट्रेन पुल संख्या 51 के पास पहुंची, इधर ट्रेन में बारिश की बूंदें भरने लगी थी और यात्री फटाफट अपनी खिड़कियां बंद करने लगे थे। पुल पर चढ़ते ही ट्रेन ने एक जोरदार झटका महसूस किया और अंदर बैठे यात्री सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि काश कुछ न हो। पर झटके के साथ ही ट्रेन लहराती हुई बागमती नदी में समा गई। दोस्तों आसपास के गांव के लोगों ने बताया कि मृतकों की संख्या सैकड़ों में थी और नदी से शवों के मिलने का सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। दोस्तों ये जो ट्रेन थी ये एक मीटर गेज ट्रेन थी और जिसका ट्रेन नंबर उस जमाने में था 416 यानी 416, जो कि मेरे अंदाज में सहरसा से समस्तीपुर के बीच में चला करती थी। दोस्तों इस हादसे के पीछे असली वजह को तो कोई नहीं जान पाया है, पर दो आशंकाओं पर शक किया जाता है। लोगों का कहना है कि जब ट्रेन ब्रिज से गुजर रही थी तो शुरुआत में ही सामने गाय आ गई थी, जिसके कारण लोको पायलट ने एक जोरदार ब्रेक मारा, जिसके कारण पूरी की पूरी ट्रेन डीरेल हो गई। कई लोगों का मानना यह भी है कि तूफानी मौसम था और ऐसे में सभी यात्रियों ने जब खिड़कियां बंद कर ली तो हवा को ट्रेन के आर पार जाने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण वो ट्रेन को धकेलती हुई आगे की ओर बढ़ी। मुझे भी दोस्तों यही लगता है कि तेज हवा और मानसून के कारण लोगों की खिड़की बंद करने के बाद हवा का दबाव इतना हुआ होगा कि ट्रेन हवा के उस प्रेशर को संभाल नहीं पाई होगी और पूरी की पूरी ट्रेन बागमती नदी में समा गई। रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 200 से 300 लोगों की मृत्यु गई थी, पर भारत में ओवरक्राउडिंग को तो आप जानते ही हैं और साथ में बिना टिकट में यात्रा करने वाले भी कई लोग होते हैं, तो गाँव के लोगों के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस हादसे में हुई है। अगर आप किसी टॉपिक में मुझे सजेशन देना चाहते हैं या इंस्टाग्राम में मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है द ट्रेन गुरु, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऐसी अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलूंगा आपसे और आने वाले वीडियोस में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।